चंद्रपुर पुलिस की एलसीबी टीम ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के संबंध में नाकाबंदी कर 5,77,600 रुपए का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त किया। गौरतलब है टोयोटा कंपनी की कार से सुगंधित तंबाकू की यातायात हो रही थी। तो आइए जानते हैं एलसीबी की टीम ने जिले के किस परिसर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कितने लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मोमका सुदर्शन के आदेश के मुताबिक चंद्रपुर जिले में अवैध धंधे पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश स्थानिक अपराध शाखा को दिए गए थे। उस मुताबिक स्थानिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार ने एक पथक तैयार किया और उन्हें अवैध धंधों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के तहत 14 मार्च को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर नागपुर से सफेद रंग की कार में महाराष्ट्र प्रतिबंधित किया सुगंधित तंबाकू तस्करी किए जाने की जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर नंदोरी टोल नाका बरोरा में नाकाबंदी की गई। उक्त वर्ण का वाहन आते दिखाई दिया, वाहन को रोका गया और वाहन की तलाशी ली गई। वाहन में 5,77,600 रुपए का शासन ने प्रतिबंधित किया सुगंधित तंबाकू और 15,50,000 कीमत की टोयोटा कंपनी की गाड़ी और दो मोबाइल, ऐसा कुल 21,27,600 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस कार्रवाई दौरान मुकेश नगीन भाई कातरानी उम्र 46 वर्ष और एक महिला वार्ड क्रमांक 6 नेरी दुर्गापुर निवास, इन दोनों को हिरासत में लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए जब्त मुद्देमाल और आरोपी पुलिस स्टेशन वरोरा के हिरासत में दिया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु इनके मार्गदर्शन में, पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार इनके आदेश के मुताबिक, सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज गदादे, सहायक पुलिस निरीक्षक किशोर शेर की, पुलिस हवालदार धनराज करकाड़े, स्वामीदास सालेकर, गजानन नागरे, अजय बागेसर, पुलिस अमलदार प्रशांत नागो से दिनेश अराडे, स्थानिक अपराध शाखा चंद्रपुर साइबर पुलिस स्टेशन के पुलिस अमलदार उमेश रोड़े, पुलिस स्टेशन वरोरा के कीर्ति ठेंगड़े ने की। सीडीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रोयार की रिपोर्ट।